वाले रोड से ये देख सकते हो आप, चपलोड़ी 6 किलोमीटर और नैनीताल 43 किलोमीटर। तो छुट्टी हो गई है और घर जा रहे हैं स्कूल के बच्चे। रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी को अपने कंधे में उठा रखा है। जय बजरंग बली और जय श्री राम। दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभी मैं हूं पैठाणी में और आज हम जा रहे हैं भरसार। और सबसे पहले यहां से जितोली पेट्रोल पंप आता है और उसके बाद चिपलघाट, और चिपलघाट से एक रोड ऊपर के लिए करती है, तो हम आपको बीच बीच में दिखाने की कोशिश करेंगे। और पावो ब्लॉक का सबसे बड़ा गाँव बुरासी, वो भी बीच में आता है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, हम पहुंच गए जितोली के पेट्रोल पंप में और हमें आर्यन भाई मिले और उनके साथ हैं सतपुली के भाई, बिग फैन बोल रहे हैं भाई। पैठाणी पेज के बारे में जानते हो आप? पैठाणी पेज के बारे में बहुत पहले जानता हूं मैं। अच्छा, क्यों? सपना भी था बारे में कि पैठाणी आऊं मैं, देखूं। अच्छा, तो कैसा लगा आपको पैठाणी? अच्छा लगा पैठाणी, बहुत अच्छा। ये भाई जी 108 में यहाँ पे पैठाणी में और सेवाएं दे रहे हैं, और अब बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर भी। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं जितोली के पेट्रोल पंप में और अभी हमने भाई से बात की थी, और यहाँ से पैठाणी का डिस्टेंस है मात्र 2 से 3 किलोमीटर। और कुछ आज धूप है, लेकिन यहाँ पैठाणी में बहुत कम बारिश हो रही है। और ये देख सकते हो का पेट्रोल पंप कुछ इस प्रकार दिखता है, जितोली का पेट्रोल पंप। दोस्तों, ये देख रहे हो आप, ये खंडूली गांव है और बड़ा ही खूबसूरत गांव है खंडूली, और पौड़ी से 45 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव, बहुत ही अद्भुत गांव। अभी हम थैलीसैंड ब्लॉक में थे और अब हम पावो ब्लॉक में आ गए हैं, और पावो ब्लॉक का ये गाँव है खंडूली गाँव। दोस्तों, ये है पहला मार्केट, बहुत छोटा मार्केट है, और यहाँ से पैठाणी मार्केट बस 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और देख सकते हो आप, दुकान नीचे होंगी, आपको लग रहा होगा मार्केट, लेकिन 2-4 दुकानें नीचे है। और ये खंडूली का लोकल मार्केट है और जितोली गांव का भी लोग आते हैं और यहाँ पे छोटा मोटा सामान लेके जाते हैं। असली मार्केट यहाँ से पैठाणी या पाव जाते हैं। हम पहुंच गए हैं साकरसैन बाजार में, और कुछ इस प्रकार दिखता है साकरसैन बाजार, और बेला से थोड़ा बड़ा मार्केट है साकरसैन। सीएसडी कैंटीन चिपलघाट में, और ये राड क्षेत्र का सबसे सुनहरा पल था जब यहाँ पे सीएसडी कैंटीन बनी थी, और पौड़ी जाना पड़ता था उन्हें, लेकिन अब कुछ ही दूर पैठाणी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है चिपलघाट, और ये सीएसडी कैंटीन, सीएसडी कैंटीन ये रही। तो यहाँ पर आते हैं राड क्षेत्र के लोग सामान लेने, आर्मी वाले कुछ इस प्रकार। और ये शायद नई बिल्डिंग बन रही है, ये वाली नई बिल्डिंग बन रही है, नहीं यार। तो दोस्तों, ये बन रही नई बिल्डिंग सीएसजी की, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और कुछ इस प्रकार दिखता है चिपलघाट का निचली वाला मार्केट। और ये मंदिर देख लो आप, और यहाँ से मार्केट है, ये ऊपर ही मार्केट है चिपलघाट, और यहाँ से लोग चपलोड़ी के लिए जाते हैं पैदल रास्ता है यहाँ से ऊपर के लिए गाड़ी पकड़ने के लिए। तो कुछ इस प्रकार दिखता है चिपलघाट मार्केट। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं चिपलघाट में, और यहाँ से हमें अगर अभी भरसार जाना है तो हमें इस पर वाले रूट से भरसार जाना है, ये वाला रूट भरसार, और हम यहाँ से आए थे पैठाणी वाले रूट से, और ये वाला रूट पावो चला जाता है, ये वाला रूट। तो हमें इस वाले रूट पर जाना है, ये बुरासी और सैंजी और भरसार के लिए ये वाला रूट जाता है। आप थैलीसैंड भी जा सकते हो इस वाले रूट से, ये देख सकते हो आप, चपलोड़ी 6 किलोमीटर और नैनीताल 43 किलोमीटर। तो कुछ इस प्रकार है चिपलघाट, ये देख सकते हो चारों तरफ हरियाली। यहाँ से देखो पावो 9 किलोमीटर, पौड़ी 34, पैठाणी 13 और त्रिपाली सैंड 33 किलोमीटर। और ये देखो गांव के जो असली पहाड़ी होते हैं, वो अभी 12 बज रहे हैं और घास लेकर भी आ गए जंगल से, ये देख सकते हो आप। दोस्तों, ये बजरंग बली का मंदिर है, और ये वाला रूट जाता है आपका पावो पौड़ी, और बजरंग बली की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे, और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन पर बजरंग बली की कृपा बनी रहे। जय बजरंग बली, क्या प्यारा मंदिर है बजरंग बली का, कुछ इस प्रकार दिखता है। और नया यहाँ पे, और आज बारिश हुई थी हल्की,
और देखो पानी पूरा चेंज हो गया है। तो ये कितना बिहंगम दृश्य है चिपलगाड़ का, इस तरह नज़ारे दिखते हैं चिपलगाड़। दोस्तों हम पहुंच गए हैं बरसूरी गांव में और कुछ इस प्रकार दिखता है बरसूरी गांव। बड़ा ही खूबसूरत गांव, रोड के किनारे बसा हुआ गांव और इसके ऊपर भी, तो रोड के बीचों बीच ऊपर भी और नीचे भी बरसूरी गांव बसा हुआ, बहुत ही प्यारा गांव। और हम हैं अभी चिपलगाड़ से कुछ ही किलोमीटर आगे आए हम, एक से एक किलोमीटर ही आगे आए हम और बरसूरी गांव ये बीच में पड़ता है। तो कुछ दोस्तों हम पहुंच गए हैं बने गांव में, और ये गांव ये निचले वाला हिस्सा है, रोड के नीचे वाला हिस्सा बने गांव का, और ये ऊपर वाला हिस्सा बहुत ही प्यारा गांव बने गांव। कुछ ऐसा ही दिखता है बने गांव। और हम इस वाले रूट से आ रहे हैं जो चिपलगाड़ से ऊपर वाला रूट था, और अब हम जाएंगे इस वाले रूट से। ये वाला रूट जाता है आपका थैलीसैंण, सैनजी और रांची, ये वाला रूट। दोस्तों हम पहुंच गए हैं चपलोड़ी बैंड में, चपलोड़ी बैंड ये वाला रास्ता जाता है आपका, ये वाला रास्ता मणकोली फलदौड़ी के लिए जाता है, ये वाला रास्ता। और ये वाला रास्ता जाता है आपका सैनजी बुरांसी थैलीसैंण, ये वाला रास्ता। और अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है और घर जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, ये भी घर जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ से। तो ये स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, जैसी चपलोड़ी के बच्चे। और ये ढुमका का स्टेशन, यात्री सेट ढुमका, हालत देख रहे हो आप। तो गांव के जो यात्री सेट होते हैं वो लोगों के लिए कम, गाय भैंस के लिए ज़्यादा बनी रहती है। कुछ इस प्रकार दिखता है गांव के यात्री सेट। दोस्तों हम पहुंच गए हैं चोलुसैन स्कूल के सामने, और है चोलुसैन स्कूल, और यहां से बाइक की होगी यहां से चोलुसैन स्कूल, जीएससी चोलुसैन। और अभी छुट्टी हुई है, मैंने आपको दिखाया था कि बच्चे घर जा रहे थे, और यहां से स्कूल से यहां पे पढ़ाई की है लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। 3 किलोमीटर है, और ये वाला रूट ढुमका जाता है, ये वाला रूट और चोलुसैन स्कूल ये दिखता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं चपलोड़ी मार्केट में, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ चपलोड़ी मार्केट, ये देख सकते हो आप, बड़ा ही खूबसूरत मार्केट है चपलोड़ी बाजार। आइसक्रीम का मज़ा ले रहे हैं, अभी छुट्टी हुई है इनकी, पढ़ते हैं और आइसक्रीम, और अभी शर्मा रहे हैं बच्चे, और देखो डांस कर रहा बच्चा। और दोस्तों हम पहुँच गए हैं चपलोड़ी मार्केट में, कुछ इस प्रकार दिखता है चपलोड़ी बाजार। यह है चपलोड़ी गांव, बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत गांव है चपलोड़ी। ये देखो हरियाली, देखो क्या सुंदर हरियाली हो रखी है। तो दोस्तों ये वाला मैंने आपको ऊपरी वाला हिस्सा दिखाया, नीचे वाला हिस्सा यहीं से हम आए थे अभी, और दिन का टाइम और लोग मार्केट आए हैं अपने खरीदारी करने के लिए गांव से। तो ये फलदाड़ी, ढुमका, चपलोड़ी और मणकोली, 4-5 गांव का मार्केट है ये, और बहुत ही बड़ा मार्केट चपलोड़ी मार्केट। दोस्तों अभी हम एक ऐसी जगह में खड़े हैं, अगर आप इस गांव का नाम सुनोगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि यहां से शिवानंद नौटियाल जी निकले हैं, जो कि पौड़ी से 2 बार विधायक और कर्णप्रयाग विधानसभा से 6 बार विधायक रह चुके हैं। और हम हैं कोटला गांव में, मेरे पीछे देख सकते हो आप कोटला गांव, बड़ा ही खूबसूरत गांव। और जो भी ये रोड है यहां पे राड़ क्षेत्र में इस साइड है, ये सब शिवानंद नौटियाल जी की देन है। शिवानंद नौटियाल जी को आज भी उनके कामों द्वारा याद किया जाता है, वो सदी में एक बार ऐसे नेता आते हैं, और उनने बहुत विकास किया है यहां पर, और गांव-गांव तक रोड पहुंचाई है। जो भी हम अभी इस रोड पे चल रहे हैं सब शिवानंद नौटियाल जी की देन है। और जो कोटला गांव है ये सैनजी से 1 किलोमीटर पीछे है, और चपलोड़ी से 2-3 किलोमीटर आगे है।
तो बहुत लोगों ने इस गांव का नाम सुना होगा, लेकिन जो यहां पे यहां नेता हैं स्वर्गीय श्री शिवानंद नौटियाल जी, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन एक ही कोशिश होती है कि आप लोगों को यहां के जो भी स्टार प्रचारक हैं, जो नेता हैं, उन्हें उनको आप जानने। करण प्रयाग से विधायक 6 बार बहुत बड़ा आंकड़ा है और 2 बार पौड़ी से, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नेता थे शिवानंद नौटियाल जी। और आज उनका गाँव दिकारम कोटला गाँव मेरे पीछे देख सकते हो आप, कितना प्यारा गांव है कोटला गांव। ये है देखो क्या व्यू है, रोड के नीचे बसा हुआ गांव कोटला गांव। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सैंजी से बस 2 किलोमीटर पीछे ही मंदिर है ये, और देख सकते हो मेरे पीछे कुछ इस प्रकार दिख रहा मंदिर। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। ये देखो अभी तो सैंजी से जस्ट 2 किलोमीटर पीछे ही, अंदर से दिखाने की कोशिश कर। तो ये गणेशाय नमो, पितृदेवाय नमो, स्वर्गीय श्री संतोष नौटियाल जी की पुण्य स्मृति में मंदिर का निर्माण किया गया है। तो हमें यहाँ से पता चला है कि ये संतोष नौटियाल जी की पुण्य स्मृति में मंदिर का निर्माण। और जय बजरंगबली, बजरंगबली ने रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी को अपने कंधे में उठा रखा है। जय बजरंगबली और श्री कृष्ण, उनके मूल्य उनके साथ। और ये अद्भुत नज़ारा है यहाँ से। और ये सैंजी गांव, कितना प्यारा गांव है सैंजी गांव। बस हम पहुँचने वाले सैंजी गांव, और यहाँ से ऐसा दिखता है सैंजी गांव, बड़ा ही खूबसूरत गांव जहाँ तक इस कैमरे की नज़र जाती है। आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, और बहुत ही बड़ा गाँव है सैंजी और बुरांसी। बुरांसी तो पावर ब्लॉक का सबसे बड़ा गाँव है, और सैंजी गाँव भी उससे कम नहीं है। तो बड़े बड़े गांव हैं इस साइड पाव ब्लॉक के। दोस्तों यहां पे शनिदेव मंदिर भी है, और शनिदेव की कृपा सभी सब्सक्राइबर पर बनी रहे। जय शनिदेव। पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं, और ये देखो किस तरह से इतनी भारी लकड़ी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सैंजी बाजार में, और मेरे पीछे आप देख रहे हो ये बिल्डिंग बन रही है, ग्वालखड़ स्कूल है, जीआईसी ग्वालखड़। और इस कुछ इस प्रकार दिखता है जीआईसी ग्वालखड़। और यहाँ से बहुत लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत बच्चों ने, ये देख सकते हो आप, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है, चारों तरफ हरियाली। ये देखो बहुत बच्चों का भविष्य संवरा होगा इस स्कूल से, जिनने भी पढ़ाई की है, सैंजी के बच्चों का और जो भी आसपास के गांव हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार दिखता है सैंजी गांव, बहुत ही बड़ा गांव है सैंजी। और मैंने आपको बताया था कि बुरांसी और सैंजी पाव ब्लॉक के बहुत बड़े गाँव हैं, और पाव ब्लॉक का तो सबसे बड़ा गाँव बुरांसी है। बस यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है बुरांसी गाँव, चलेंगे हम आपको ले चलेंगे। और इस प्रकार ये ऐसा दिखता है सैंजी गांव। ये देखो मकान, कच्चे पक्के मकान, और कच्चे मकान पक्के मकान में तब्दील हो गए हैं, लोग पैसे वाले हो गए हैं। तो ये देख सकते हो आप सैंजी गांव। तो दोस्तों ये है सैंजी मार्केट का दूसरा वाला हिस्सा, और बस ये सैंजी बाज़ार पहुंचने वाले हम, ये वाला हिस्सा सैंजी बाज़ार। यहाँ पे SBI बैंक की ब्रांच भी है, और ATM भी है यहाँ पर। तो बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है नौठा मार्केट, और बुनासी गांव का बहुत ही फेमस बाज़ार है नौठा बाज़ार। ये देखो किस तरह दिखता है, हरियाली चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी आपको अगर आप पहाड़ की बात करते हो। चलते हैं हम नौठा बुनासी की ओर, और मैं आपको बता दूं कि सैंजी में एक SBI बैंक की ब्रांच भी है, और नौठा यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर दूर है। तो ये देखो सैंजी वाला मार्केट, सैंजी मार्केट इस तरह दिखता है। दोस्तों जो ये वाला भरसार वाला ब्लॉग था, ये मैं आधा ही अपलोड कर रहा हूँ,
क्योंकि पार्ट वन इसमें पैठानी टू सैंजी दिखाया गया है और पार्ट टू में सैंजी टू भरसार का ब्लॉग होने वाला है, तो पार्ट टू का वेट करें और जल्दी अपलोड होगी पार्ट टू। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें और बने रहिए पैठानी यूट्यूब चैनल के साथ, हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। और अगर अभी भी आपने पैठानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार पैठानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड। Oh, no, yeah.